अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना वसीम इशफाक और आप देख रहे हैं डब्ल्यू टी वी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आया हूँ। पंजाब हुकूमत ने पिछले 24 तारीख से जो है वो लॉकडाउन किया हुआ है 2 हफ्ते के लिए पूरे पंजाब को, और इस हवाले से जितने भी लोग हैं वो बेरोज़गार हुए हैं क्योंकि वो अपने काम पर नहीं जा रहे और कोई कमाई का ज़रिया नहीं है उनके पास। तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से लोगों को राशन देने के लिए और 4,000 रुपया पर मंथ देने का वादा किया है, और इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने एक ऐप जो है वो ऑनलाइन की है स्टार प्ले स्टोर पर, उस ऐप का नाम है इंसाफ इमदाद। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और आपको नेक्स्ट मंथ से 4,000 पर मंथ आपको मिलना शुरू कर देगा। इस ऐप के ऊपर कुछ क्वाइक हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने ये क्वाइक बड़े ध्यान से फिलअप करने और कौन से लोग हैं जो इसके लिए मुस्तहिक हैं इस 4,000 रुपये के लिए और किन को ये 4,000 रुपया मिलेगा, उस हवाले से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले जी, यहाँ पर आपने आप जब ऐप ओपन करेंगे तो सामने आ जाएगा इंसाफ इमदाद, वज़ीरे आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम हुकूमत पंजाब की जानिब से। आप अपना नेम एंटर करेंगे, अपना नाम लिखें, नाम लिखने के बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, और शनाख्ती कार्ड लिखने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपने बड़े ध्यान से लिखना है, नाम भी बड़े ध्यान से लिखना है आपने, और मोबाइल नंबर बड़ा आपने ध्यान से लिखना है क्योंकि जब यही मोबाइल नंबर है जिसके थ्रू आपसे पंजाब हुकूमत जो है वो कॉन्टैक्ट करेगी और आपको जो है वो पैसे आपके या तो जायज़ कैश या किसी भी अकाउंट या आपको आपके शनाख्ती कार्ड नंबर पर भिजवाए जाएंगे। इसके बाद कुछ क्वाइफ हैं मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दर्जन अफराद माली प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते, कौन से अफराद हैं जो कि इसके लिए अहल नहीं हैं, जो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हाजर सर्विस या रिटायर्ड सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन, ऐसे लोग जो कि अभी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट की किसी भी महकमे के अंदर, या वो रिटायर्ड हो चुके हैं या वो किसी नीम महकमे के अंदर कर रहे हैं, नीम सरकारी मुलाजमीन है, तो वो इसके लिए अहल नहीं हैं वो लोग। और दूसरा उनका है कि माल के अराजी, वो लोग जो कि जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है, अपना घर है, जो दूसरे माली अराजी है, वो लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा किसी और फ्लाई स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले अफराद, क्योंकि आजकल कई लोग हैं जो कई फ्लाई तंजीमें हैं जो कि राशन तकसीम कर रही हैं, पैसे वगैरह भी पे कर रही हैं, तो वो लोग जो दूसरी किसी स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग वो अफराद जो हैं अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उनका यूटिलिटी बिल्स महाना 10,000 से ज़्यादा हो, ऐसे लोग जिनका घरों का बिल, बिजली का, फोन का, गैस का 10,000 से ज़ाहिर है, वो लोग भी इसके अंदर अहल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा किसी भी किस्म की गाड़ी का मालिक हो, अलावा मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची, मतलब आपके पास कोई गाड़ी वगैरह, कार वगैरह ना हो, कोई बड़ी गाड़ी कैरी डब्बा वगैरह ना हो आपके पास। हाँ, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या चिंची रिक्शा है या दूसरा रिक्शा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा बयान हनफी, तो तमाम आप यहाँ पर टिक करेंगे, बयान हनफी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तमाम क्वाइफ मेरी राय के मुताबिक दुरुस्त हैं और कोई मालूम मैंने खुफिया नहीं रखी, अगर कोई मालूम गलत साबित हुई तो मैं तमाम रकम वापस करने का पाबंद होगा और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त होगी, और इसके बाद आप नीचे दरख्वास्त जमा कर देंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ये क्वाइफ बड़े अच्छे तरीके से फिल करने हैं, बड़े ध्यान से फिल करने हैं, और दूसरी बात कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आपके बीच यूटिलिटी बीच है वो 10,000 से ज़्यादा है या आप किसी जगह पर मुलाजिम है, तो बर मेहरबानी आप इसको फिल ना करें, बल्कि उन लोगों को फिल कर लेते हैं जो इसके हकदार हैं, जो इसके असल में जिनके लिए ये ऐप खोली गई है, जिनको असल में ये ज़रूरत है, ताकि किसी का हक ना मारा जाए। तो बरए मेहरबानी ऐसे लोग जो कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो बेरोज़गार हुए हैं, जो कि आजकल काम नहीं भी कर पा रहे, तो वो लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई करें और 4,000 पर मंथ और मंथली राशन भी इसके अंदर मंथली राशन भी आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अलावा ये तो है ऑनलाइन तरीका, इसके अलावा जो है वो मैनुअली तरीका भी है। अगर कोई जो अनपढ़ है जिसके पास सेल फोन नहीं है तो वो मैनुअली तौर पर भी अपने हाथ से दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आप अपने यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाएँ या अपने काउंसलर या चेयरमैन के दफ्तर जाएँ, वहाँ पर जाकर आप उनसे फॉर्म लें, फॉर्म लेने के बाद आप सारा फॉर्म फिल करें, आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी लगाएँ और अपने काउंसलर या चेयरमैन वगैरह से तस्दीक करवा के अपने यूनियन काउंसिल में सबमिट करवा दें, तो आपको जल्दी नेक्स्ट मंथ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, 4,000 रुपया भी मिलना शुरू हो जाएगा और साथ में आपको राशन भी मिल जाएगा। इसके ऊपर अमल करें और जल्द अज़ल्द इस ऐप से और इस फॉर्म से और इस सहूलत से जो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आप इससे इस्तेफादा से करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।